हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रियलमी का फ़ोन और उससे जुड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपके फ़ोन में भी आ सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी पैसे आपके बचने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस फ़ोन में ये इशू है कि इसकी डिस्प्ले जो है वो पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो गई है, आपको दिख सकता है। और इसमें कहीं कलर का कोई नामो निशान नहीं है, ना किसी ऐप में, ना किसी आइकन में। और इस फ़ोन को कस्टमर जो है लेकर के काफ़ी जगह गया और सब ने यही सजेस्ट किया कि इसकी डिस्प्ले चेंज होगी और आपका फ़ोन हो जाएगा। बट आपको पता ही है कि मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम खर्चे में काम हो जाए कस्टमर का। तो मैंने ढूंढना शुरू करा कि ये क्या फॉल्ट हो सकता है। और मेरे को कलर इन्वर्जन के बारे में पता था कि सेटिंग में एक कलर इन्वर्जन नाम की चीज़ होती है, उससे कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि उससे हो जाए, बट मेरे को नाकामी हाथ लगी। तो मैंने और ढूंढना स्टार्ट किया तो मुझे एक अलग चीज़ भी पता चली। आप देख सकते हो, या सेटिंग में नाइट शील्ड के अंदर जा करके आप इस वाले ऑप्शन को अगर ऑन करो या ऑफ़ करो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कलर और ब्लैक एंड वाइट। तो इससे जो है डिस्प्ले ठीक हो गई और कस्टमर के जो है पैसे बच गए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके साथ भी ऐसा ना हो। और रियलमी वालों को सोचना चाहिए कि अपडेट के बाद तुरंत ऐसा कुछ ना कर दे, क्योंकि लोग पैनिक कर जाते हैं और पैसे खर्च कर देते हैं। सो थैंक यू गाइज़।